जय श्री श्याम। मंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत की दो तरह की चटनी, तो आइए शुरू करते हैं बनाना व्रत की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने ये आधा कप इमली ली है और इसमें मैंने एक कप पानी डाल के दो घंटे पहले भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग चुकी है। इमली मैंने बिना बीज की ली है। इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। इसको हम हाथ से मैश करेंगे, हाथ से अच्छे से मैश होगी। हाथ को मैंने अच्छे से वॉश किए हुए हैं, अभी अच्छे से मैश हो चुकी है। अब इसको हम एक छलनी से छान लेंगे। इसको अच्छे से दबा दबा के छानेंगे, इससे जितना भी पल्प है इस पर नीचे निकल जाएगा और इसका कचरा सारा छलनी में रह जाएगा। ये देखिए सारा पल्प अच्छे से निकल चुका है। अब इसकी हम खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करेंगे। एक पैन में हम ये इमली का सारा पल्प डालेंगे, इसमें भी बचा हुआ थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। गैस को ऑन कर देंगे हम, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे, ये एक कप कुटा हुआ गुड़ है। आप चाहें तो एक कप चीनी भी डाल सकते हैं या आधा गुड़ और आधी चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से, जब तक ये गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाएंगे। ये आधा कप इमली में मैंने टोटल डेढ़ कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर गाढ़ी चाहिए तो थोड़ा कम ले सकते हैं और पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इमली की चटनी में गुड़ भी मेल्ट हो चुका है और इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे सारे। एक छोटी चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच काली मिर्च डालेंगे, आधी छोटी चम्मच अदरक का पाउडर डालेंगे जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। अगर आप व्रत में खाते हैं तो इसे डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक छोटी चम्मच देगी मिर्च डालेंगे, देगी मिर्च कलर के लिए होती है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालने से इसका चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे हम। इमली की चटनी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, व्रत वाली चटनी में मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डलते। इसमें बस इतने ही मसाले डालेंगे, पर ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये चटनी दही भल्ले, चाट पकौड़ी, भेलपूरी हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। व्रत में तो खा ही सकते हैं, व्रत के अलावा भी खाएंगे तो वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी खाने में। ये चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको इसको अभी यूज़ करना है तो इसे थोड़ी सी और गाढ़ी कर लें, और नहीं तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये रखने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है ये चटनी को। बस अब ये एक दो मिनट और पकाएंगे हम। चटनी हमारी बन चुकी है, ये देखिए चटनी कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें एक चम्मच खरबूजे के बीज डालेंगे। ये खरबूजे के बीज को मैंने पहले से रोस्ट करके रखा हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है। इसमें चाहे तो आप काजू, किशमिश, डेट्स वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये अपनी चॉइस है। जो भी आपको पसंद हो इसमें और डाल सकते हैं हम। अब गैस को बंद कर देंगे। इमली की चटनी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है काफ़ी। इमली की चटनी ठंडी हो चुकी है, ये देखिए ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो गई है। अभी और भी गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी। अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनके तैयार हुई है, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। हरे धनिया मूंगफली चटनी बनाने के लिए ये मैंने आधा कप धनिया लिया है। मैंने इसको अच्छे से काट के वॉश करके रखा हुआ है। दो से तीन हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चार टेबल स्पून मूँगफली डालेंगे, ये मैंने रोस्ट करके रखी हुई है, अगर आप चाहें तो कच्ची भी डाल सकते हैं। एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे, ये सेंधा नमक है, व्रत में हम सेंधा नमक खाते हैं इसलिए हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। और एक टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। आप चाहें तो दो चम्मच दही भी डाल सकते हैं, अगर नींबू ना डालना चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। अगर आप अदरक खाते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं चटनी में। अब हम इस चटनी को पीसेंगे। हरे धनिया मूँगफली की चटनी पीस के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनके तैयार हुई है, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। व्रत में से आप ज़रूर बनाएं एक बार। इस चटनी को बनाने में मैंने दो तीन टेबल स्पून पानी डाला है। पानी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं, और थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसको अब एक बाउल में निकालेंगे। हरे धनिया मूँगफली की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसका हम तड़का रेडी करेंगे। चटनी का तड़का बनाने के लिए
हम इसमें करीब एक टीस्पून ऑयल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम एक छोटी चम्मच तिल डालेंगे, एक दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे, पांच छह करी पत्ते डालेंगे। गैस को बंद कर देंगे। अभी तड़के को हम चटनी में डाल देंगे। ये तड़का डालने से चटनी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए चटनी कितनी अच्छी लग रही है। अब ये व्रत के अलावा वैसे भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। ये खाने बहुत टेस्टी है। ये हमारी दोनों चटनियाँ बनके तैयार हो चुकी है। धनिया और मूँगफली की चटनी भी बनके तैयार हो चुकी है और इमली की चटनी भी बनके तैयार हो चुकी है। इमली की चटनी को ठंडा करके आप एयर टाइट कंटेनर भर के फ्रिज में 2-3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब मन करे इसको निकाल के खा सकते हैं। अगर ये गाढ़ी लगे उस समय तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पतला करके और खा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।